So let us start today's lecture. Today we will discuss the outer measure generated by a measure. Outer measure generated by a measure. Generated by a मेजर. तो इससे पहले जो हमने किया था वहां पर भी हमने आउटर मेजर को जनरेट किया, मगर उसको हमने मेजर से जनरेट नहीं किया, उसको हमने किसी भी सेट फंक्शन से जनरेट किया था. एक्चुअली वो सेट फंक्शन मेजर नहीं थी. नाउ इन दिस सेक्शन वी विल जनरेट आउटर मेजर बाय मेजर. थ्रू आउट दिस सेक्शन throughout this section X S mu is a measure space, is a measure space. Is a measure space. Measure space का मतलब क्या है? Yes. अगर ये मेजर स्पेस है ना, म्यू सिग्मा एडिट्यू. तो इसमें जो है ना, ये आपका ये जो एस है मेजर स्पेस में, एस क्या होता है? सिमरिंग. वही आप बताइए ना, वही आप बताइए. एस है सिमरिंग एंड दिस व्हाट्स दिस म्यू. म्यू इज ए मेजर ऑफ एस. तो ये आपका मेजर स्पेस है. तो इसका मतलब समझ होना आना चाहिए कि ये क्या है एक्चुअली. एस इज अ सिमरिंग दिस म्यू, इट्स अ मेजर ऑन एस. इट्स अ मेजर ऑन एस. नाउ वी ट्राई टू जनरेट द आउटर मेजर बाय दिस म्यू. ओके, सो रिकॉल recall from this previous section. Previous section हमने इससे पहला पहला वाला section किया, the outer measure, the outer measure we have denoted by mu star. It's a फंक्शन फ्रॉम पावर स्टॉप एक्स टू जीरो. इसको हमने चेक किया है कि ये आउटर मेजर है ना, तो यहाँ पर वो चेक करने की जरूरत नहीं है. जनरेटेड बाय म्यू इज डिफाइंड बाय इज डिफाइंड by mu star of A is equal to infimum of summation mu of A n, n runs from 1 to infinity. और यहाँ पर जो ये members है ना, sets A n, ये S के members है, semi-ring के members है, और ये A को cover कर रहे है. A is subset of union A n and runs from 1 to infinity.
And we also know that if there is no such sequence an, then we take new strophe equal to infinity. वहाँ पर हमने ये सारा डिस्कस किया था. If there is no sequence an, an in S such that this sequence will cover A is subset of the union, then we take the value of mu star of A infinity. Mu star of A is equal to infinity. This function mu star in general is not sigma additive. It's not a major because it's not sigma additive, okay? Okay, इसका ये sigma additive नहीं है, ये हम आगे देख लेंगे. इसकी हम example देखेंगे. The function mu star is not a major in general. Is not a major in general as it is not sigma additive. It's not sigma additive. Also, we have seen that we have seen that that the mu star restricted to the sigma algebra of major good sets. ये हमने देखा है sigma algebra of major good sets is a major. अगर हम mu star को sigma algebra sets पर restrict करेंगे, जो कि हमने check किया वो जो class of sigma algebra sets, class of major good sets है, वो sigma algebra है. इस पर अगर हम इस mu star को restrict करेंगे, it will be a major. This we have seen. और हमने ये भी देखा है कि अगर ये म्यू मेजर नहीं है, तो ये जो म्यू स्टार है, इट्स नॉट द एक्सटेंशन ऑफ म्यू. ये एक्सटेंशन नहीं है म्यू का, वो हमने चेक किया है. वी हैव ऑल्सो सीन दैट वी हैव ऑल्सो सीन दैट इफ म्यू इज नॉट अ मेजर, अगर म्यू मेजर नहीं होगा, इफ म्यू इज नॉट अ मेजर, or you can say that triplet is not a major space, then mu star is not the extension of mu. That is mu star restricted to this subclass S is not equal to mu. ये इसके बराबर नहीं है. mu star is not the extension of mu. तो extension का मतलब क्या है, अगर आपको पता होगा extension का मतलब क्या है.
तो किसी बड़े सेट पर मैप को एक्सटेंड करना है, मगर जो आप दूसरे मैप करोगे ना, मतलब जो एक्सटेंशन आप लोगे उसको जब आप वापस रेस्ट्रिक्ट करोगे ना स्मॉलर सेट पर, वो वही फंक्शन होनी चाहिए जो एक्चुअली जो ऑलरेडी आपके पास फंक्शन थी। बट दिस म्यू स्टार इज नॉट द एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन नहीं है, मतलब म्यू स्टार है एक, इट्स अ फंक्शन ऑन बिगर सेट, इट्स अ फंक्शन ऑन पावर सेट ऑफ एक्स विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एंड दिस म्यू इट्स नॉट द फंक्शन ऑन पावर सेट ऑफ एक्स, इट्स द फंक्शन ऑन द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। ओके, एंड वी हैव सीन दैट दिस म्यू स्टार इज नॉट द एक्सटेंशन, दैट मीन्स व्हेन वी रेस्ट्रिक्टेड दिस म्यू स्टार टू दिस स्मॉलर क्लास एस, इट्स नॉट इक्वल टू यू, वेयर दिस म्यू इज डिफाइंड, ये इक्वल नहीं है। और ये हमने देखा है, अगर आपको याद होगा हमने वो एग्जाम्पल भी ली है, हमने वो एग्जाम्पल ली है जहां पर हमने ये देखा है। इन जनरल तो आपको ये मिला है, म्यू स्टार ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू म्यू ऑफ ए फॉर एवरी मेंबर ऑफ एफ, है ना, इफ ए इज इन एफ, अगर ये एफ में होगा। तो ये एक्चुअली आपके पास क्या, आपके पास दो फंक्शन, एक तो आपके पास थी वहां पर म्यू फंक्शन विच वाज द फंक्शन फ्रॉम एफ टू जीरो टू इन्फिनिटी, और दूसरी फंक्शन आपने ली थी म्यू स्टार जो कि आउटर मेजर है विच इज जनरेटेड बाय म्यू, इट्स अ फंक्शन फ्रॉम पावर स्टार एक्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। इसको हमने इस फंक्शन से, इस म्यू से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, इट्स कॉल्ड म्यू स्टार जनरेटेड बाय म्यू। दिस पावर स्टार ऑफ एक्स इट्स ऑब्वियसली बिगर सेट, दिस एफ इट्स ए सबसेट ऑफ पावर स्टार ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस म्यू स्टार को रेस्ट्रिक्ट करूंगा एफ पर, मतलब मैं म्यू स्टार ऑफ ए निकालूंगा वेयर ए इज इन एफ, वेयर ए इज इन एफ, और इस एफ के मेंबर्स के लिए म्यू भी डिफाइन है, म्यू ऑफ ए भी आपके पास है, इनके दरमियान क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, क्योंकि अब दोनों डिफाइनड है, म्यू ऑफ ए भी इज डिफाइनड है बिकॉज इज अ मेंबर ऑफ एफ, म्यू स्टार ऑफ ए भी डिफाइन है क्योंकि म्यू स्टार तो किसी भी सेट के लिए डिफाइन है। ओके, बोथ बोथ द थिंग्स आर डिफाइनड, एंड इन दैट सेक्शन, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट दिस इज लेस आर इक्वल इन जनरल। In fact, we have seen that the strict inequality also holds. आपने वो example ली है जहां पर strict inequality आई थी। So that means you have seen that this mu star of A is not equal to mu of A for every member A of F. ये आपने देखा है। They are not equal on the smaller set. Mu star and mu are not equal on the smaller set. अगर ये इक्वल होते ना इस पर एफ पर, तब हम कहते हैं कि म्यू स्टार म्यू की एक्सटेंशन है, या हम ये कहते हैं कि म्यू इज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू स्टार। ठीक है, जो फंक्शन बड़े सेट पर डिफाइन है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। अगर हम इसको वापस लिखे, जो जो छोटे सेट पर जो फंक्शन डिफाइन है डिफाइन ऑन स्मॉल सेट, उस फंक्शन को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन। ये तभी पॉसिबल है इफ दे आर इक्वल ऑन द स्मॉलर सेट, अगर इस स्मॉलर सेट पर इक्वल होगी, और यहां पर वो नहीं है इन जनरल जो आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा। बट इन दिस सेक्शन वी विल सी दैट इफ दिस म्यू इज अ मेजर, अगर ये म्यू मेजर होगा उस केस में इक्वलिटी होल्ड होगी, मतलब उस केस में म्यू स्टार एक्सटेंशन है म्यू का, उस केस में म्यू स्टार क्या है, म्यू का एक्सटेंशन। ये हम नेक्स्ट थ्योरम में करेंगे। So in the next theorem, we will see that since our mu is a major in this section, in the next theorem, we will see that mu star is an extension of mu. In the next theorem, we show that the outer major mu star. The outer major mu star is an extension of mu, or we can say mu is the restriction of mu star. Restriction of mu star. तो दोनों का मतलब क्या है, दैट इज व्हेन वी
restrict our mu star to the smaller class s which is mirroring it is same as mu. मतलब म्यू स्टार के डोमेन को अगर हम एस लेंगे, म्यू का डोमेन भी ऐसे, अगर हम म्यू स्टार के डोमेन को भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे एस पर, बोथ द फंक्शन इज आर इक्वल, क्योंकि आप दोनों फंक्शंस का डोमेन सेम है, म्यू स्टार रेस्ट्रिक्ट एस का डोमेन भी एस ही है, म्यू का डोमेन भी एस है. ओके तो दोनों सेम है, दैट्स व्हाट वी कॉल द दिस म्यू स्टार एज एन एक्सटेंशन ऑफ म्यू और म्यू इज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू स्टार. Let's this theorem. The outer major mu star is an extension of mu. That's the statement. The outer major mu star, the outer major mu star is an extension of mu, is an extension of mu, is an extension of mu, that is, that is, that is, if A is a member of the smaller class semi-ring S, is a member of S, then value of mu star and mu are same at A. Mu star of A is equal to mu of A. Proof. Let this A be a member of S. Suppose A is a member of S. From the previous section, है जो हमने देखा है, mu star of A is less than equal to mu of A. उस theorem का कुछ नाम है. Don't know. हमने theorem का नाम नहीं लिखा है ना. That's problem. Then we know that, then we know that, आप लिखे ब्रैकेट में प्रीवियस सेक्शन. ओके प्रीवियस सेक्शन, देन वी नो दैट दिस थिंग म्यू स्टार ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू म्यू ऑफ ए, इज लेस आर इक्वल टू म्यू ऑफ ए. अब आपको रिवर्स इनइक्वालिटी चाहिए, नाउ यू वांट द रिवर्स इनइक्वालिटी. कि इसका नाम आप वन रख दीजिए. नाउ इट इज सफाइस टू शो दैट it is sufficient to show that to show that this mu of A is less or equal to mu star of A. इसको प्रूव करना है. सो फॉर दिस लेट्स टेक एनी सीक्वेंस, लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस इन एस such that this A is covered by this sequence. Now you can apply this mu star is monotone, not the monotone property,
because this unit is not the member of S, we cannot apply Monitoring property of mu because the unit is not the member of S. We cannot apply mu on both sides. आपको समझ आ रहा है? हम mu को apply नहीं कर सकते हैं दोनों sides से. हाँ, यहाँ से तो okay है on left hand side because A is a member of S. But on this side we cannot apply mu on the union as union is not the member of S. Union is not the member of S. But we can apply mu star. उससे हमारा काम होगा mu star of A. उससे भी शायद हमारा काम होगा, बट मगर इसने जो थ्योरम अप्लाई की है दैट्स डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट. और अगर हम म्यू स्टार अप्लाई करें दोनों साइड से, बट वी कैन नॉट अप्लाई म्यू स्टार बिकॉज फिर वहां से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें एक्चुअली म्यू से स्टार्ट करना है. वी मस्ट स्टार्ट विथ म्यू, म्यू ऑफ ए. mu star हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. mu star of A इज लेस आर इक्वल टू mu star of union, देन mu star of union इज लेस आर इक्वल टू द समेशन ऑफ mu star, बट ईच mu star इज लेस आर इक्वल टू mu of A. तो ये फाइनली mu of A में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपका राइट हैंड साइड है, इट विल कन्वर्ट इनटू mu. बट द लेफ्ट हैंड साइड यहां पर mu star होगा, और mu star को हम कैसे mu में कन्वर्ट करें, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. तो इसलिए इस वजह से हम इसमें एक थ्योरम यूज करेंगे जो हमने की है किसी लेक्चर में. थ्योरम का नंबर जो है दैट 13.8, अगर आप एल प्रिंट्स की बुक से देखोगे 13.8, आपके लेक्चर नोट्स पर भी होगी ये थ्योरम. ओके, बाय थ्योरम 13.8 एल प्रिंट्स. ओके, मैं यहां पर इसमें प्रिसाइजली मेंशन करूंगा. दिस म्यू ऑफ ए इज लेसर इक्वल टू समेशन एन रनस फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी म्यू ऑफ ए. आप अपने लेक्चर नोट्स पर देखना. हाँ, हमने एक्चुअली इसे ये दो रिजल्ट इस टाइप की ए सब स्टफ यूनियन और दूसरा भी हमने इस एक रिजल्ट उसमें किया था, दो पार्ट से उस थ्योरम के. अगर आपको याद होगा म्यू ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू समेशन एन रनस फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी म्यू ऑफ ए एन. बट दिस वन, ये किस सेट का मेंबर है, ये जो समेशन है ना, ये किस सेट का मेंबर है? अब ओके, इट्स अ मेंबर ऑफ द सेट हुज इनफिमम इज म्यू स्टार ऑफ ए. एक्चुअली जिसका इनफिमम म्यू स्टार ए है वो क्यों है, क्योंकि हमने यहां पर ए एन जो है ना, इट्स एनी सीक्वेंस इन एस सच दैट इट कवर्स ए. एस की कोई भी सीक्वेंस है जो ए को कवर कर रही है, जो भी सीक्वेंस आप लोगे म्यू ऑफ ए विल ऑलवेज बी लेस आर इक्वल टू दिस सम. Mu of A will always be less or equal to this sum. Okay, so thus, can say this. This implies mu of A is a lower bound of this set. Such that An is a member of S and a subset of union An. This color bound is set color bound. So that means it will be less or equal to the greatest lower bound. But what's the greatest lower bound of this? It will be less or equal to infimum of this set. A n
is a member of S and A is subset of the union An. N runs from 1 to infinity. So which means that mu of A is less or equal to mu star of A. Combining 1 and 2, we get mu of A is equal to mu star of A for every subset A of A in S. So that means mu star restricted to S is equal to mu. Mu star is an extension of mu. Okay, next we give some equivalent forms of measurable sets in the next theorem. Okay, measurable set ki definition kya hai, agar aapko pata hoga, a set is measurable if measure of A is equal to, or you can say greater equal to, measure of A intersection E plus measure of A intersection complement. है ना, ये definition है measurable set की for every subset of X. अब यहाँ पर हमारे पास it's here mu star, mu is an outer measure here. तो हमारा जो outer measure है वो mu star है हमारे केस में. okay, mu star हमारा outer measure, which is generated by mu. तो ये definition है outer measure की, ये measurable set की. अगर measurable set की ये property होगी, मतलब हमें x का हर कोई subset देखना है. In other words, this A is a member of power set of x. Okay, A is a member of power set of x. But here we will see that if mu star is an outer measure generated by a measure mu, and if we want to find the measurable sets with respect to this outer measure mu star, then we need to check this inequality only for those sets which are the members of semiring, jo semiring ki members hoti hai. This semiring is a subset of X, subset of power set of X. Hame sirf in sets ke liye ye inequality dekhni hai, aur isme se bhi wahi sets jinka measure finite hoga. Jinka measure kya hoga? Finite. ये हम इस, मतलब इट्स अ वेरी पावरफुल थ्योरम. जो एक्चुअल डेफिनेशन है वहां पर आपको एक्स का हर कोई सबसेट के लिए ये इनइक्वालिटी चेक करनी है. बट इफ दिस म्यू स्टार इज एन आउटर मेजर जनरेटेड बाय मेजर म्यू, उस केस में जब आप मेजरेबल सेट डिफाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस आउटर मेजर, तो वहां पर ये इनइक्वालिटी आपको उन सेट्स के लिए दिखानी है जो सेट्स समीरिंग में है. समीरिंग इज अ लोअर क्लास है ना, ये मतलब जैसे आपके पास ना, देखिए आपके पास ये है रियल लाइन, इसका पावर सेट है. क्या है? पावर सेट है. फिर आपको पता है कि इसकी एक समीरिंग भी है, सेट ऑफ सेमी क्लोज इंटरवल्स है ना, ये समीरिंग है. आपको सिर्फ इन मेंबर्स के लिए चेक करनी है इनइक्वालिटी को, हर किसी सबसेट के लिए नहीं. मतलब आपके पास सबसेट है ये भी 1, 2, 3, ये भी सबसेट है आर का, इसके लिए आपको चेक नहीं करना है. आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स भी है आर का सबसेट. आपके पास सेट ऑफ रेस्ट कितने सबसेट्स आपके पास है अदर देन दीज इंटरवल्स. और ये थ्योरम क्या कह रही है, ये थ्योरम कह रही है कि आप सिर्फ इन सेट्स के लिए देखिए जो कि समीरिंग के सेट्स, जो समीरिंग में है,
आपको हर किसी सबसेट के लिए नहीं देखना है, ये हम नेक्स्ट इस थ्योरम में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट इज लेट एक्स एस म्यू बी ए मेजर स्पेस, लेट एक्स एस म्यू बी ए मेजर स्पेस, लेट एक्स एस म्यू बी ए मेजर स्पेस and let mu star be the outer measure generated by mu, and let mu star be the outer measure generated by mu. For a subset E of X, for a subset E of X, for a subset E of X, the following statements are equivalent. Following statements are equivalent. First one is E is measurable with respect to mu star, outer measure mu star here, E is measurable. तो इस सेक्शन में जब भी हम मेजरेबल की बात करेंगे ना, इट मीन्स दैट इट्स अ मेजरेबल विथ रिस्पेक्ट टू म्यू स्टार, ओके, इज मेजरेबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस म्यू स्टार, सेकेंड वन म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू स्टार ऑफ ए intersection E plus mu star of A intersection E complement. What's this A? This holds for every member A of S with its measure finite. रोल नंबर 21 हमने यहां से म्यू लिखा और दूसरी साइड से हमने म्यू स्टार लिखा है। 21 रोल नंबर, अपना कैमरा ऑन करें। हाँ, 21 हमने एक साइड से म्यू लिखा और दूसरी साइड से हमने म्यू स्टार लिखा, इसका रीजन क्या है? हमने दोनों साइड से म्यू क्यों नहीं लिखा? यस, जोर से बोलिए। ओके, रीजन ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये एस का मेंबर है और एस पर म्यू डिफाइन है, ओके, और राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन ई, क्या ये एस का मेंबर है? रोल नंबर 6,